दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है, ये दिखाना कि आपको जो पुरानी चीज़ें आती थी वो अलग चीज़ होती थी, अभी नए मोटरसाइकिलों में आ रही हैं वो अलग चीज़ है। दोस्तों ये मेरा मोटरसाइकिल, इसमें हम लगा रहे हैं क्लच प्लेटें, इसकी ठीक है 2017 मॉडल है और फर्स्ट टाइम खुली हुई है, तो इसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल जेन्युइन लगी हुई हैं जो गाड़ी के साथ आई हैं। ये चार जो लोगो लगा हुआ है इसमें, हम सिर्फ इसकी प्रेशर प्लेटें हैं वो इसकी जो है वो तब्दील करेंगे। क्लच प्लेटें जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल बेदाग हैं और बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, करने काम करने जैसी हैं। और आप देख सकते हैं ये जो इसकी प्रेशर प्लेटें हैं वो थोड़ी सी वो जो है प्रेशर प्लेटें काम नहीं कर रही, तो ये रिंगिंग कर रही है गाड़ी, तो इसीलिए मैं खुद अपनी गाड़ी में बदली करवा रहा हूँ ये। तो आप देख सकते हैं ये प्रेशर प्लेट है और यहाँ पे देखो DR का जो लोगो भी लगा हुआ है कंपनी का। दोस्तों अभी जो हम इसमें चेंज करेंगे वो हम लगाने वाले हैं इसमें प्रेशर प्लेटें, सिर्फ लिफान की तो भी लगा सकते थे लेकिन हम इसमें जापानी लगा रहे हैं, इसकी सन की प्रेशर प्लेटें लगा रहे हैं ताकि अच्छी कारकर्दगी हमको मिल सके इसकी। तो दोस्तों इसमें क्लच प्लेटें हम नहीं बदली करने वाले, प्रेशर प्लेटें लगाने वाले हैं सिर्फ, और इसका जो कटोरा है वो भी जेन्युइन ही लगा हुआ है। जो हाई स्पीड गाड़ी है मेरे पास 2017 मॉडल, तो उसके साथ आया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लगा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे कंपनी का पंच भी लगा हुआ है देख सकते हैं आप, तो हम ये कटोरा भी वही यूज़ करने वाले हैं अपने मोटरसाइकिल में जो कंपनी के साथ आया था। तो दोस्तों हम ये टाइम लेप्स में इसको फिटिंग करने वाले हैं क्योंकि फिर ये ज़्यादा टाइम ले लेता, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना टाइम लेप्स में ही इसको जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए और आपको गाड़ी फिट करके दिखा दी जाए। तो दोस्तों वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको दिखा सकें कि जो मोटरसाइकिल पुराने आते थे तो उसमें 4 साल के बाद जो क्लच प्लेटों का काम निकला है वो भी सिर्फ प्रेशर प्लेटों की वजह से, सिर्फ प्रेशर प्लेटें जो इसकी वो डाउन हो चुकी थी, तो इसीलिए हमने इसका जो क्लच बक्सा खोला था सिर्फ प्रेशर प्लेटें बदली की हैं इसमें। वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली थी तो इसीलिए हमने ये वीडियो टाइम लैप्स में बनाया है।